किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं तो रक्तदान और कन्यादान महान दान है, लेकिन आज के जमाने में वक्त दान भी अपने आप में बहुत बड़ा दान है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। चार दोस्तों की कहानी है, नवीन, संतोष, मनीष और प्रवीण। ट्वेल्थ की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुराने जमाने की कहानी, अपनी अपनी साइकिल से रवाना हुए और उस शहर का जो बढ़िया वाला होटल था वहां चाय नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। चारों ने मुश्किल से मिलकर 100 रुपये इकट्ठा किए थे। वहां पर जाकर के बढ़िया सी उन्होंने छोटी सी पार्टी कर ली। पार्टी खत्म होने को आई थी, वो पैसे लेने के लिए बिल लेकर के वेटर आया, तभी चारों के बीच में एक डिस्कशन शुरू हुआ कि आज से 40 साल के बाद में हम चारों फिर से मिलेंगे। तब तक नहीं मिलेंगे, 40 साल के बाद में मिलेंगे और इसी होटल में मिलेंगे और पार्टी करेंगे, और उस दिन जो सबसे आखिरी में आएगा उसको बिल के पैसे देने। चारों ने कहा वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो बच्चों वाली शर्त लगती, वो लग गई। तो 40 साल के बाद मिलने का डिसाइड हुआ। वो जो वेटर था वो सारी बात सुन रहा था, उसने कहा ठीक है, अगर आप 40 साल बाद आते और मैं यहीं रहा तो मैं भी आपकी वो 40 साल बाद वाली पार्टी देखना चाहूंगा। 40 साल कब बीत गए मालूम नहीं चला, पूरे शहर का नक्शा बदल गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई, फ्लाईओवर बन गए, सब कुछ चेंज हो गया। और चारों दोस्त जो थे उनकी जिंदगी तो कंप्लीटली अलग अलग हो चुकी थी। कोई इंजीनियरिंग के लिए दूसरे शहर में चला गया था, कोई सरकारी कॉलेज में दाखिला ले रहा था, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था, सब ने अपनी अपनी जो है जिंदगी जीना शुरू कर दिया था और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे। 40 साल बीतने के बाद में सबको तारीख याद थी, 1 जनवरी को मिलना था, शाम के लगभग 6 बजे होंगे। वो जो होटल थी वो 5-स्टार होटल बन चुकी थी, वो जो वेटर था उसका मालिक बन चुका था भोला। एक लग्जरी कार आकर के रुकती है और उसमें से मनीष निकलता है और जाकर के सीधा होटल में देखता है, तो वो जो सेठ बन चुका था भोला वो पहचान जाता, कहता अरे आप आ गए, क्या बात है, आपके लिए प्रवीण सर ने टेबल बुक करवा दिया, आप बैठिए। और आपने मुझे पहचाना कि नहीं, मैं वही वेटर हूं जो उस दिन था। बोला अरे क्या बात है, आप तो मालिक बन गए। मनीष को इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं पहले आ गया, मुझे बिल नहीं चुकाना है। मनीष बैठा ही था कि थोड़ी देर के अंदर जो है संतोष आ गया। संतोष कहने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा बिल्डर बन गया हूं। मनीष कह रहा था मेरी तो ज्वेलरी के शोरूम चल रहे हैं 3-4। दोनों अपनी बातचीत कर रहे थे कि नवीन आ गया। नवीन ने कहा जी मेरी भी बहुत बढ़िया कंपनी चल रही है। तीनों इंतजार कर रहे थे प्रवीण आ जाए, तभी वो जो सेठ था भोला जो कि उसका मालिक था 5-स्टार होटल का, उसने कहा कि अरे आप शुरू कीजिए, स्नैक्स लेना शुरू कीजिए। उनका प्रवीण सर का कॉल आया था कि वो थोड़ा देरी से आएंगे, आप शुरू कीजिए। तो तीनों की जो है बातचीत, हंसी ठिठोली शुरू हुई, मजाक शुरू हुई। थोड़ा और टाइम बीत गया, 7:30-8 बजने को आया, फिर से वो आया सेठ जो था, उसने कहा आप डिनर शुरू कीजिए। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, कह रहे हैं बस आता ही हूँ आते ही। तीनों को लगा कि आ ही जाएगा प्रवीण, उन्होंने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि प्रवीण तो आया ही नहीं, उन्हें अंदर से थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि दोस्त से नहीं मिले। और वो भारी मन से सोच रहे थे कि बिल पे करते हैं, निकलते हैं, तभी वापस से सेठ आया भोला, उसने कहा कि आपका बिल जो है पे कर दिया गया। तो तीनों चौंक गए कि प्रवीण ने बिल भी पे कर दिया, आया भी नहीं। बाहर निकलने वाले थे कि गेट पर एक लड़का जो है गाड़ी में से उतरता है, दौड़ के आता है और इनके चरण छू लेता है, इनको प्रणाम करके कहता है अंकल नमस्ते, मैं आपके दोस्त प्रवीण जी का बेटा हूं, मेरे पिता जो हैं शिक्षक बन गए थे और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस शहर का कलेक्टर बन गया, लेकिन पिताजी 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए, उन्हें बीमारी हो गई थी, बीमारी ने घेर लिया था, लेकिन उन्हें शर्त याद थी, 1 जनवरी की तारीख याद थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम सारे अरेंजमेंट कर देना, बस उन्हें बताना मत, जब उनकी सारी पार्टी खत्म हो जाए तो बाद में बता देना। वो नहीं चाहते थे कि इतने सालों बाद आप मिलें और आपकी जो खुशी है उसमें दखल पड़ जाए। तीनों दोस्त रोने लग गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। ये छोटी सी कहानी आपकी हमारी जिंदगी की कहानी बनती जा रही है। आप में और हम में से बहुत सारे लोग अपनों से मिलना बंद कर देते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कभी किसी सेलिब्रेशन का। यूं ही अपनों से मिलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कब कौन हमें छोड़ करके चला जाए। आदमी वाकई जो है पानी का बुलबुला है। छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि वक्त बिताइए अपनों के साथ में। ये जो वक्त दान है ये आज के जमाने का बहुत बड़ा दान है। माय एफएम पर आरजे कार्तिक आपसे एक ही बात कहता है, चलो अच्छा सुनते हैं, अच्छा सुनाने का प्रयास हम करते रहेंगे। और आखिरी में ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।